मैं हूं तानिया, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का मसालेदार बातचीत शुरू करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द लेटेस्ट डिस्ट्रैक्ट बाय धीरू मोहनसिंह, जिसका टाइटल है द रियल बवंडर। आई थिंक आप सबको ही पता है कि हमारा थारा भाई जोगिंदर कितना अच्छा एक डिस्ट्रैक्ट लेकर के आया था। आप सबको तो अच्छे से पता ही है कि जोगिंदर का बवंडर आने के बाद यूट्यूब पे सच में बवंडर आ गया है रोस्टर्स का। मतलब हर एक रोस्टर उसको रोस्ट कर रहा है। आई थिंक दिस इज गोना बी अ मज़ेदार वाला बवंडर। एटलीस्ट जोगिंदर की बवंडर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी धीरू मोहनसिंह का कुछ गाना सुना है लेकिन रिएक्शन नहीं किया। हाँ, रिएक्शन किया, एक गाने के ऊपर रिएक्शन मैंने किया जो कि धीरू मोहनसिंह और सलोनी अप्पा एक साथ मिलके किया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग। सो ज़्यादा बातें नहीं करके गाने को सुनते हैं। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। नाउ विदाउट एनी मोर टॉकिंग, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। द रियल बवंडर। मतलब वो वाला सीन लेकिन कुछ अलग तरीके से। नहीं उठ रहा था या पे उठ रहा है, ठीक है, वो दिखा दिया कैसे खुदाई भी करते हैं। हाँ भाई, काम खत्म इसका तो। अब बवंडर नहीं, सीधे तबाही आएगी, तबाही। It's me, धीरू मोहनसिंह। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। यो थारा भाई धरेंदर। दो छपड़ी यूट्यूबर। इज्जत से नहीं मतलब, इसे मतलब है बस व्यूज से। तेरी चीखे सुन के मेरे कान दुखे हो जा, तू म्यूट पे, म्यूट पे। I just wanna know, तू इतना क्यों सबसे रूड है? औकात की तू बात कर रहे, गली का कुत्ता भी देगा तेरे मुंह पे मुंह। तो खुद की कमाई सस्ते मिलते नहीं है, नाई तभी जुल्फे बढ़ाई। तीन चार सब जिन्हें कर रहे इधर उधर, न जाने इसका दिमाग भाई गया हाँ किधर। दीपक लाल इसका एक प्यारा सा मित्र, बाजुड़े आसमान में चूती आती तर। नकली चैन तेरे गले में और स्वैग वाली टोपी फाड़ के दू शर्ट वीडियो में जाके ढूंढे मोची। एक बार दो बार कितनी बार लूं मैं तेरी, कलाल को भी देना तेरी बन गई है हॉबी। तू बस कर रहे बॉडी सेम, तुझे आता नहीं कोई गेम। दे दू कितना ही फेम, सब कुछ लेके भी योर लाइफ गोना बी द सेम, गोना बी द सेम, गोना बी द सेम। इज्जत से नहीं मतलब, इसे मतलब है बस यू से। तेरी चीखे सुन के मेरे कान दुखे हो जा, तू म्यूट पे, म्यूट पे। I just wanna know, तू इतना क्यों सबसे रूड है? औकात की तू बात कर रहे, गली का कुत्ता भी देगा तेरे मुंह पे मुंह। तो ए मुंह तो ए नो छपी यूट्यूबर। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। जो कर रहे इसको हेट, इसको लगते इसके फैन। पेलने के लिए इसको काफी एक हैंड, खुद की ये बात कर लेता नहीं कभी स्टैंड। बोले मैं हूँ ब्रांड्स वाला बाबली गैंग, बना के रखना चाहता हूँ खुद की ये हाइप गाना। इसका बीट जैसे पीवीसी पाइप, तुझे ना देखना चाहता कोई तेरा स्टीरियोटाइप। दीपक के साथ हर दिन बंद करिए बकचोदी ऑन लाइफ। साइप साइप एक घंटे की कार की चाबी दे दो साइप साइप, वीडियो बनानी है साइप साइप। हाँ साइप, कपड़ा मार के एकदम चमका के दे दूंगा साइप, बस चाबी दे दो गाड़ी की साइप। काम से तू बाहर निकल, दुनिया बड़ी है, अभी भी सुधर तेरी जिंदगी पड़ी है। सारा सारा दिन तू हेटी फैलाए, यो ओ वाई थारा पाए। भाई तेरी बुद्धियां भाई सड़की पड़ी है, ऊपर या फिर तेरे कोई गड़ पड़ी है। छपरी और रकात पे तेरी गड्डी अटकी पड़ी है, याओ। राइट, बहुत सही है, हैट्स ऑफ धीरू मोहनसिंह। हर एक लाइन, हर एक शब्द उसके लिए सही है। जस्ट हैट्स ऑफ टू, मतलब सच में दिस इज द रियल बवंडर। मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि इतना मतलब जबरदस्त होने वाला है, यू नो, लाइक सीरियसली, ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ यार। हर एक शब्द सही था, लाइक जो भी वो करता है ना, सब कुछ है इस गाने में। एंड दिस इज सच में यार माइंड ब्लोइंग ऑसम। मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा ये गाना। लाइक हर एक वर्ड सही था यार। मतलब जो था कि वो क्या था
इज्जत से मतलब नहीं है, मतलब है व्यूज़ पे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और एक था कि गली का कुत्ता देगा तेरे मुंह पे मुंह में क्या लाइन था यार, और दीपक कलाल के साथ जो लाइन ही था ना, मतलब ऑसम, एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग, कुछ भी कम हो जाएगा इस गाने के लिए सच में यार। मुझे तो पता है कि ये गाना तो वो थाराबाई जोगिंदर के कानों में पहुँचे गए, और उसके बाद उसका कितना जलेगा बस मैं ये सोच रही हूँ बस वो जल के ना, मतलब हम देखेंगे कि वो पूरा एकदम बर्न होके आ गया उसकी गाड़ी के अंदर। एंड लाइक वाओ ऑसम, एक्सीलेंट यार, क्या बताओ। और मतलब उसके साथ साथ जो मतलब जो वीडियो था ओवरऑल, उसमें धीरू मौंशिक जैसे नाच रहा था कहीं कहीं पे, एंड लास्ट में गाड़ी के साथ जो सीन था वो भी बहुत ही बढ़िया था। और एकदम पहले यू नो खुदाई का जो सीन था ना, आई थिंक कि वहाँ पे भी उन्होंने दिखा दिया कि एटलीस्ट मतलब खुदाई करने भी नहीं आता थाराबाई जोगिंदर को, जैसे हमने देखा था ना कि वो बस ऐसे ऐसे कर रहा है लेकिन मिट्टी नहीं है उसमें, सो वो भी उन्होंने दिखा दिया। एंड पहले ये सीन था कि मतलब वो हर एक छपरी यूट्यूबर्स को मतलब कबर में डाल रहा है, एंड धीरू मौंशिक ने उसको डाल दिया। सो बहुत बढ़िया था वीडियो, थैंक यू सो मच सर, मतलब इतना अच्छा एक डिस्ट्रैक्ट के लिए। आई रियली नेवर एवर थॉट कि ये इस टाइप में होने वाला है, लाइक हर एक शब्द यार सच में ऑसम। और जो डिस्ट्रैक्ट है ना सुन के आपको मतलब हर एक वर्ड समझ में भी आएगा। जब मैं एमी बंटा का कुछ डिस्ट्रैक्ट सुनता था तो कुछ वर्ड समझ में नहीं आता था, इतना फास्ट होता था। ये फास्ट भी है लेकिन उसके साथ साथ जैसा है ना आपको हर एक शब्द समझ में आएगा। एक्सेलेंट है, ऑसम है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और क्या बताओ, जो भी मुझे लगा मैं कह दिया। आई होप यू ऑल्सो इन्जॉयड दिस वीडियो, सच में दिस इज जस्ट awesome. So yeah guys, thank you so much for watching this video, and I hope कि आपने ये video पहले देख लिया, और अगर अभी भी नहीं देखे होंगे तो link description में है, जल्दी जाके देखो। और yeah, thank you so much for watching this video guys. Video पसंद आता है like, share, comment, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। See the next video, till then bye, take care.